पांच में निबंध लेकर देखेंगे, उसमें स्वच्छता का महत्व उसके बारे में हम निबंध पढ़ेंगे। निबंध है वह आपको परीक्षा में लिखना होता है, लेकिन आपको मुद्दों के आधार ही निबंध लिखना होता है। पहला निबंध है स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता यानी स्वच्छता से स्वास्थ्य का हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, यह हमने पाठ में भी पढ़ा है। तो पहले हमारे शरीर की स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। तो जैसे कि हम सुबह उठ के ब्रश करें, नहाए, शौच क्रिया करें, नाखून काटे, अपने बाल संवारे और अपने स्वच्छ कपड़े पहने, ये सब हमारे शरीर की स्वच्छता है। उसके बाद है घर की स्वच्छता। तो हमारे घर में हम साफ सफाई करें और घर को स्वच्छ रखें। तीसरी है हमारे आस पास पड़ोस में भी हम स्वच्छता रखें, यहाँ वहाँ हम कचरा कूड़ा और गंदा पानी डालें नहीं। तो ये सब हमारे जीवन के बहुत ही उपयोगी अंग है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। पहला मुद्दा है स्वच्छता वाली सुंदरता। स्वच्छता जो है वह एक सुंदरता है। पहली जीवन में स्वच्छता का बहुत ही महत्व है। स्वच्छता हमारी पहली सुंदरता है। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी हमारे स्वयं की स्वच्छता भी बहुत ही जरूरी है, वह व्यक्तिगत स्वच्छता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी, हम बाहर साफ सफाई करें उससे पहले हमारे शरीर की स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। इससे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है और हमें कोई भी रोग होता नहीं है, हम स्वस्थ रहते हैं। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम प्रतिदिन स्नान करें, यानी हर रोज हमें स्नान करना बहुत ही जरूरी है। दांतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन ब्रश या मंजन करें, हमें हमारे दांत को स्वच्छ रखने के लिए हर रोज ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सप्ताह में एक बार हमारे नाखून काटें, हमारे जो नाखून होते हैं उसमें बहुत ही कचरा मैल घुस जाता है, तो हमें नाखून हफ्ते में एक बार नाखून काटने चाहिए। हमारे कपड़े भी साफ हो, हमारे कपड़े भी साफ और स्वच्छ हो, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह अपने आप को स्वच्छ रखने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा। अपने आप को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम स्वस्थ रहेंगे और ताजगी का अनुभव करेंगे। ये सब स्वच्छता रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और ताजगी का अनुभव करेंगे। दूसरा तीसरा मुद्दा है घर की स्वच्छता। हमारे घर की स्वच्छता भी बहुत ही जरूरी होती है। हमारा घर साफ रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा जो घर होता है वो साफ सुथरा रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे घर में आने वाले मेहमान जो होते हैं वो उनको भी अच्छा लगता है, वो भी खुश रहेंगे। और उसके बाद है पास पड़ोस की स्वच्छता और आरोग्य। तो यहाँ वहाँ थूकना, कचरा डालना, गंदा पानी डालना, ये सब गंदी आदत है, यह हमें नहीं करना चाहिए। यह बुरी आदत है, इससे गंदगी फैलती है। हम यह करते हैं तो हमारे आस पड़ोस पास पड़ोस में गंदगी फैलती है, गंदगी से बहुत सी बीमारियां होती है। इस तरह की गंदगी न करने से हमारा पास पड़ोस साफ रहेगा, मक्खी मच्छर नहीं होगा। हम पास पड़ोस में स्वच्छता रखेंगे तो मक्खी मच्छर नहीं होंगे, रोग नहीं फैलेंगे, वातावरण साफ सुथरा रहेगा, बदबू नहीं आएगी, हम सांस में शुद्ध हवा लेंगे, यानी बदबू नहीं आएगी तो हम अपनी सांस में शुद्ध हवा ले सकेंगे, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इससे क्या होता है हमें फायदा कि हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आरोग्य, तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है और आरोग्य हमारा पहला सुख है। पहला सुख
बच्चों स्वच्छता रखने से हमारा आरोग्य भी अच्छा रहता है और हम खुश रहते हैं। ये पीडीएफ जो भी मैं आपको भेजूं मुद्दों के आधारित आपको यहाँ निबंध लिखना है और तैयार करना है।